नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज हम बुलेटिन में बात करेंगे हिट एंड रन मामले की। पुणे में एक नाबालिग रईस ज़ादा यार दोस्तों संग पार्टी करता है, शराब के नशे में पिता की 2 करोड़ की पोर्शे कार से निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवा इंजीनियर की मौत हो जाती है, लेकिन इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सीडेंट से पहले नाबालिग ने पब में जाकर 48,000 रुपए की शराब पी जाता है और फिर शराब के नशे में पोर्शे कार से 240 की स्पीड से बाइक सवार को रौंद देता है। इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पोर्शे एक्सीडेंट में पुणे पुलिस का बड़ा खुलासा। 90 मिनट 48,000 रुपए की शराब पी गया नाबालिग। पीड़ित परिवार बोला ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। 240 की स्पीड से बाइक सवारों को रौंदा। महाराष्ट्र के पुणे में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत ने सभी को सन्न कर दिया। आपको बता दें कि एक रईस बाप के बेटे तेज रफ्तार महंगी गाड़ी से एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनीस अबलिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई। इस कार को एक नाबालिग चला रहा था। आरोपी एक जाने माने बिल्डर का बेटा बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। अब इस हादसे का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। 2 युवाओं की मौत से कई परिवार बिखर कर रह गए। किसी ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया तो किसी ने अपने घर का इकलौता चिराग खो दिया। इस पोर्शे कार को आप देखिए, इसे एक नाबालिग लड़का चला रहा है। पुणे के इस हिट एंड रन मामले को लेकर पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ काम करना, नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब छुड़ाना, यातायात नियमों का अध्ययन कर जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश करना, मनोवैज्ञानिक से ट्रीटमेंट करवाना, सड़क हादसों के प्रभाव पर 300 शब्दों का निबंध लिखना, भविष्य में दुर्घटना के शिकार लोगों की सहायता करना। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी नाबालिग के पिता को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये सामने आया है कि इस एक्सीडेंट से पहले आरोपी अपने दोस्तों के साथ शहर के 2 फेमस पब में गया था। उसने पहले केवल 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए की शराब का सेवन कर लिया। नाबालिग रईस ज़ादा पहले 48,000 रुपए की शराब पीता, फिर इसी शराब के नशे में धुत होकर लग्जरी कार्स ड्राइव करता और फिर इसी शराब के नशे में धुत लग्जरी कार से 2 लोगों की जान ले लेता। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पब में रईस ज़ादा अय्याशी कर रहा। हालांकि इस घटना के बाद दोनों पब में बुलडोजर चलाया गया। ड्राइविंग लाइसेंस का न होना, वाहनों के दस्तावेज न होना, नशे में वाहन चलाना, आम लोगों से पिटाई का डर, पुलिस कार्रवाई का चक्कर, कानून का भय न होना। वहीं पुणे के पुलिस ने बताया है कि आरोपी शनिवार रात 10:40 पर कोसी पब में गया था। इस दौरान केवल 90 मिनट में उसने 48,000 रुपए के बिलों का भुगतान किया था। एफआईआर में 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपियों को कल हमने लेट नाइट अरेस्ट किया, उनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जो उसके फादर है और जो एक और आरोपी था उसको आज ताबे में, फादर को औरंगाबाद, वो फरार था परसों से, उसको आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में औरंगाबाद से एक होटल से उसको ताबे में लिया गया है और उसको ट्रांजिट पे यहाँ लाया जा रहा है। ट्रांजिट पीरियड जो जब तक वो पहुंचेगा उसके बाद जो भी मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज है करके उसको कल कोर्ट में ये दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाएगा। औरंगाबाद प्रोड्यूस नहीं, उनको ताबे में लेके आ रहे हैं। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है, आते आते शाम शायद हो जाए, आने के बाद उनको हम कल प्रोड्यूस करेंगे। वहीं मृतक के परिजनों का ये कहना है कि मृतक अनीश सिर्फ 24 साल का था, उसकी हत्या की गई और मामला सड़क हादसा कहकर बदला जा रहा है। इसमें आरोपी को जमानत मिल गई है, इसका हमें बहुत दुख है। ऐसे में पुलिस को सही धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। तो वो भारतीय संविधान के अनुसार ही किया गया है, इसमें कुछ अच्छा या कुछ खराब नहीं है। जो कार्यवाही हुई वो संविधान के अनुसार ही हुई है। स्टेप्स हैं कि अलग से कोई ना तो स्टेप उठाने की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत है। मतलब ये ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, कर रहे हैं,
पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है, मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीज़ों पर भी तो चेकिंग होनी चाहिए। जबलपुर की जनता खुद हेलमेट चेकिंग से परेशान है, बाकी नंबर विदाउट नंबर प्लेट चल रही हैं, ओवर स्पीड गाड़ियाँ चल रही हैं, रात में 1 बजे किसी को भी डैश करके चल दे रही हैं, क्या है ये सब, बंद होने चाहिए। इस हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान जारी किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते, उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, 1 अरबपतियों का, 1 गरीबों का, उनका जवाब आता है क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं, सवाल न्याय का है, अमीरों को गरीबों को दोनों को न्याय मिलना चाहिए। नाबालिग आरोपी 18 मई की रात अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी कर वापस जा रहा था। रात करीब 2:15 बजे कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अनिश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। तो पुणे हिट एंड रन मामले को सुनने के बाद पूरी दुनिया सन्न में है। परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है लेकिन आरोपी जमानत पर बाहर है। इस मामले को किस तरीके से आगे देखा जा रहा है और किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एके जैन पूर्व डीजीपी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सर, पुणे से जो ये मामला निकलकर सामने आया है, आपने तमाम खबरें सुनी होगी किस तरीके से जो आरोपी है उसने इस सड़क हादसे को अंजाम दिया और इसके बाद उसे आसानी से जमानत भी मिल जाती है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अब तक जो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मुकदमा सही धारा में लिखा गया है 304 में। जी, 304A में अगर लिखा गया होता तो मैं कहता कि अल्पीकरण किया गया है और 304 में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ये हत्या है। शराब पीकर नाबालिग के द्वारा बिना नंबर की गाड़ी और इस स्पीड पर गाड़ी चलाना, कोई भी हादसा हो सकता था, कितने भी लोग मर सकते थे। पिता का जो चालान किया गया है वो जस्ट जुवेनाइल जेजे एक्ट के तहत किया गया है, सेक्शन 75-77 मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्राविधान है कि अगर आप नाबालिग को गाड़ी चलाने को देते हैं उसमें भी उसका चालान किया जा सकता है। जी, पिता के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिता की शह के बिना ना वो शराब पिएगा ना वो इतनी महंगी गाड़ी लेकर रात के समय घूमेगा। इसकी सही एज का भी पता लगाया जाना चाहिए, कहां पर इसकी बर्थ हुई। बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं चलना चाहिए, कॉलेज से एज को, स्कूल से कॉलेज एज को देख के नहीं चलना चाहिए, सही पता लगाया जाए। मुझे लगता है कि ये हो सकता है निकल कर आए कि लड़का बालिग है। निर्भया कांड के बाद ये आदेश हुए थे, लॉ है कि अगर कोई ग्रेव ऑफेंस है, गंभीर अपराध है, तो उसमें नाबालिग को भी बालिग मानकर कार्रवाई की जाएगी। जी, ये फिट केस है, इसमें अगर कार्रवाई होगी तो और बहुत से रईस ज़ादे जो इस प्रकार के हैं देश में, उनको एक सबक मिलेगा, उनके माता पिता को सबक मिलेगा कि अगर इस तरह की हरकतें उनका लाडला बेटा करेगा और 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया, 2 इंजीनियर्स की जिंदगी ले ली। जी, बहुत ही शर्मनाक घटना है, पूरे देश में इसको लेकर रोष है और बहुत कड़ी कार्रवाई इन सबके विरुद्ध होनी चाहिए। मैं मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है, कोई उसके साथ में टेम्परिंग किसी प्रकार की ना कर दें कि लड़के को दिखा दें कि शराब नहीं पिए हुए था। ये सही है, 48,000 रुपए का उसने बिल पे किया है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, ये कोई एंजॉय करने का तरीका नहीं है। पिता की जानकारी में सब कुछ हो रहा है, ये ऐसे रईस दादों के ऊपर
बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने देखा है पूरे देश से समर्थन मिल रहा है जी। बड़ी खुशी की बात है। कल मैं आज तक पे देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हम इनके केस को लड़ेंगे, इन दो परिवार जो बर्बाद हुए हैं। बहुत अच्छा स्टेप है, सबको इसके अंदर मिलकर इसका विरोध किया करना चाहिए ऐसी हरकतों का। ये देश अब इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्या क्या आम लोगों के लिए जो कानूनी कार्रवाई है उसका प्रावधान अलग है? जो रईस जादे हैं क्या उनके लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान अलग है? क्योंकि 15 घंटे के अंदर जिस तरीके से आरोपी को जमानत दे दी जाती है, इसे देखकर आखिर क्या समझ आता है? मेरा ये मानना है, मैंने कई चैनल्स पे कहा है कि जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है इसको भंग किया जाना चाहिए। जो सीनियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। इतनी जल्दी बेल मिल जाना, ये भी बताया गया कि जो लोकल वहाँ के एनसीपी के एमएलए हैं वो थाने पहुँच गए और इनके खाने पीने का वहाँ थाने में प्रबंध किया गया, बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया गया। ये शर्मनाक है, राजनीतिज्ञों को भी शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की ओछी हरकत कर रहे हैं। उनके प्रदेश के नहीं हैं, बाहर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दो इंजीनियर हैं, पुणे में नौकरी करने आए हैं। वो इसलिए नहीं भेजा है उनके माँ बाप ने कि उनको इस तरीके से मौत की नींद सुला दिया जाएगा। दो परिवार बिल्कुल बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए इनके शराब पीने, इनके तेज गाड़ी दौड़ाने के चक्कर में। इस संबंध में कानून में बदलाव की आवश्यकता हो, और बदलाव की आवश्यकता हो तो वो की जानी चाहिए। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ जुवेनाइल के नाम पे 14 साल का लड़का रेप कर रहा है, गिरोह उनके माध्यम से, जुवेनाइल के माध्यम से मर्डर करा रहे हैं और कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो जो है नाबालिग है। तो इसके ऊपर कानून बनने की जरूरत है। अगर किसी को ये पता है, चाहे वो 14 साल का ही है, उसको पूरा ज्ञान है, उसको पूरी संज्ञान में है कि क्या वो कर रहा है, पूरी प्लानिंग कर रहा है, पूरी पूरी जानकारी में, होशो हवास में इस तरह की घटनाओं को प्लान कर रहा है, उनको बालिग मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार बहुत से जो बड़े बड़े गैंग हैं वो नाबालिग लड़कों को हायर करके और कभी भी किसी का मर्डर करा सकते हैं। ये मर्डर है एक तरह का। 304 में जो मुकदमा कायम किया गया है सही है, और इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जल्दी जल्दी चार्जशीट सबमिट की जानी चाहिए और इस नाबालिग को, इस सो कॉल्ड नाबालिग को बालिग मानकर कोर्ट से अनुमति लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे दूसरों को नसीहत मिले देश में तथा वो इस प्रकार की घटनाओं को घटित करने से गुरेज करें। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णकांत शर्मा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चल लेते हैं। सर, क्या किसी की जान इतनी सस्ती है कि सिर्फ एक निबंध लिखने के बाद आरोपी को जमानत दे दी जाती है? देखिए, ये बहुत ही कानून जो है वो काफी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निबंध है, और खासकर जो ऐसे मामले, जो खासकर शराब पीने के बाद जो आदमी ऐसो आराम और लॉन्ग ड्राइव पे जो है किसी अनजाने की मौत लेते हैं, उस परिवार के साथ जो बीता होगा। हमारे अभी पूर्व डीजीपी साहब जो अभी बता रहे थे कि जुवेनाइल द्वारा जो हर आदमी कानून का जो मिसयूज करता है, कानून जैसे आपने रेप केसेस में भी देखा होगा या दहेज प्रथा एक्ट में, एक जमाने में बहुत सबको अरेस्ट कर लिया जाता था, पूरी फैमिली को एक जमाने में, बाद में उसमें दहेज प्रथा एक्ट में जो है काफी दौड़ी एक्ट में सुधार किया गया और डायरेक्ट नहीं किया गया। उसी तरह देखिए आज जिस तरह से जुवेनाइल को द्वारा मर्डर गैंग चलाया जा रहा है और उसको पता है कि इसके बाद बेल मिल जाएगा ऐसा, और निर्भया कांड में भी जिक्र किया हमारे पूर्व डीजी साहब ने। बट मैं कुछ और भी चीज देखता हूँ, आप फिल्मों में देखिए, फिल्मों में क्या होता है कि एक मर्डर करने के बाद कैसे, मतलब एक किसी की मर्डर करनी हो एक जमाने में भी और आज भी ट्रक वाले मर्डर कर देते हैं। यूपी में भी आपने देखा होगा एक महिला जो थी, जो दिलीप सेंगर के ऊपर जिसने एलिगेशन लगाए थे यूपी में, जिसके ऊपर एक्सीडेंट के द्वारा उसके मारने की कोशिश की गई थी, उनको पता है कि 304 ए में और जो 337 जो रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस के केसेस में, उनको बेल आसानी से मिल जाती है और इसमें सजा का जो प्रावधान है वो भी ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ है। आप देखिए, आज मैं सुबह आईटीओ से जा रहा था, एसटी सजारी कोर्ट के लिए,
वहां रास्ते में जो टर्निंग है वहां पे, जो नई जो बनी है जो साइड से, आप देखिए दिल्ली के आईटीओ पे वहां पे टर्निंग पे दीवाले जो है रेल बाउंड्री वॉल जो है वो मात्र 1 फीट का है। एक्सीडेंट के बाद बाइक वाला, इसमें दो, एक लड़का एक लड़की सवार थे, लड़का नीचे जाके गिर गया और लड़की ऊपर ही रह गई, बट नीचे धास होने की वजह से वो उसकी जाने बच गई। ये मेरे पास फोटो वीडियो भी है इसका, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये घटना देख के कहीं ना कहीं जहां टर्निंग हो वहां पे यातायात में सुविधा भी ऐसी होनी चाहिए। और खासकर अभी देखिए बाइक, आपने देखा होगा कि दिल्ली में या हर जगह देश के हर कोने में बाइक वाले को जरा सा भी जगह मिल जाए ना तो दाएं से या जो पैदल चलने वाले जो है पेडेस्ट्रियन पे वो बाइक चला देते हैं, या जरा सा भी जाम हुआ तो वो खेतों से निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम महंगी गाड़ी वालों का ही एलिगेशन लगाएंगे, गलतियां रूल और रेगुलेशन आप जाकर मलेशिया में देखो, यदि एक बाइक वाली के लेन अलग चलती है, कार वाली अपनी लेन चलते हैं। कानून जो अभी बीच में केजरीवाल ने एक सख्त कानून निकाला था 2000 रुपए चलान, आपने देखा था कितना ज्यादा लोग बहुत साफ सुथरा गाड़ी चलाने लगे थे। अभी जब से सीसीटीवी कैमरा आ गया है, दिल्ली की बातें करते हैं और भी जो शहरों में, वहां पे रेड लाइट कोई भी जंप नहीं करते, भले ट्रैफिक पुलिस होता या नहीं होता। तो हमारे जैसे हमारे डीजीपी साहब जो बहुत सीनियर है, उनकी जो सजेशन था कि वो कानून में बदलाव होना जरूरी है, 14 साल का बच्चा यदि कोई लड़का है और उसको समझ है कि हम क्या कर रहे हैं तो उसको सजा 14 साल के हिसाब से नहीं, और इसके पीछे जिसकी भी आते हैं उसको भी सजा मिलना चाहिए। आप चाहे सलमान खान के केसेस आपने देखा किस तरह से उनको बाहर निकाल दिया गया बेल, और उस जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं और उसको लोग अच्छा मानने लगे, मतलब कोई संस्था एनजीओ के थ्रू उन्होंने गरीबों को दान करने लगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में 304A के जो सेक्शंस में आप बहुत ही आसानी से बेल मिल जाता है, और जो नए प्रावधान जो है वो और भी सही नहीं है कि जो, और कोई भी मारने के बाद कोई भी आदमी नहीं चाहता है, यदि वहां कोई आदमी ना पकड़े तो हर कोई भागने की कोशिश करेगा, चाहे हम हो चाहे वो डीजीपी साहब हो चाहे हमारे एक और अधिवक्ता साहब। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटूंगी। वरिष्ठ अधिवक्ता शुभम सिंघल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, पुणे से जो हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है जिसमें 2 जिंदगियां चली जाती है, आरोपी जमानत पर बाहर है, ऐसे मामलों में आखिर क्या प्रावधान है, क्या सजा दी जाती है? नाबालिग है आरोपी, और इसके बाद जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, जो आदेश दिया गया, जमानत पर छोड़ दिया गया है कि निबंध लिखिए और इसके बाद वो बाहर आराम से खुल रहा है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो मातम में हैं। देखिए, मैं आपको ये सबसे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस चीज पे बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं पूर्व डीजीपी अरविंद सर की बात से और अपने अधिवक्ता परिवार की तरफ से कुछ बातों से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस में जब ये ऑर्डर पास किया गया तो उस टाइम ऑर्डर पास करते समय ये बात बहुत मद्देनजर रखनी चाहिए थी कि निर्भया कांड के समय जब ये बात बताई गई थी कि कोई भी एक व्यक्ति जो 16 साल से ज्यादा है या फिर वो बहुत ज्यादा चीजें समझ सकता है तो उसको एक एडल्ट जैसे ट्रीट किया जा सकता है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो में जो आप वीडियो न्यूज चैनल पे देखेंगे तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो पब में बैठ के पार्टी कर रहा था जी। उसके बावजूद भी 15 घंटे के अंदर बेल मिलना, जिसमें उस ऑर्डर के तहत साफ साफ कोर्ट की तरफ से ये वर्डिक्ट होना, बोर्ड की तरफ से वर्डिक्ट होना कि मुझे ये केस इतना सीरियस नहीं दिखा जिसकी वजह से इसकी बेल को डिनाई किया जाए, ये चीजों में जुवेनाइल बोर्ड उस ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखते हुए, कोर्ट के ऑर्डर को जो पहले पास हुआ, ये ऑर्डर मुझे चेंज होने के लिए ठीक लगा कि मुझे ऐसी कुछ चीजें हैं आज भी देश में जो चीजें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस बहुत ही नेग्लिजेंस एक्सीडेंट कॉज नेग्लिजेंस बाय डेथ, अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो जिसमें सजा सिर्फ 2 साल तक की है, अगर ये लोग इसी तरीके से सिर्फ मौज मस्ती के चलते शराब सेवन करने के बाद और चले जाते हैं घूमने फिरने गाड़ी लेके, और एक परिवार अभी आपने बोला जैसे कि एक परिवार अभी बहुत मातम में है, आप सोच भी नहीं सकते और ना ही हम सोच सकते इस बात को कि वो कितने मातम में है। किसी ने अपने परिवार के 2 सदस्य गवा दिए और उसकी सजा क्या निकली, 300 वर्ड का एक ऐसे,
बिल्कुल, और देखिए पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है और सवाल ये भी उठते हैं कि क्या भारत का कानून इतना लचीला है कि इतनी निर्मम तरीके से किसी की जान चली जाती है उसके बाद आरोपी को सिर्फ 300 शब्दों में निबंध लिखने के बाद जो है जमानत पर छोड़ दिया जाता है। एक बार फिर हम चलते हैं पूर्व DGP हमारे साथ बने हुए अरविंद कुमार जैन जी। सर, एक नाबालिग जो पब में जाता है उसे शराब परोसा जाता है, आखिर इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या आबकारी विभाग पर इसे लेकर कोई कानूनी, कोई सख्त कानूनी कार्रवाई को लेकर प्रावधान नहीं है क्या? प्राविधान सब है हमारे देश में, प्राविधानों की कोई कमी नहीं है, उनका सबका दुरुपयोग, उन सबकी काट किस तरीके से की जा सकती है ये सबको पता है। हमारे देश में लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें सब मालूम है कि कानून को किस प्रकार से धता बताई जा सकती है। इन पब्स में पहले भी ऐसा होता रहा होगा, भविष्य में भी होता रहेगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हो गया तो इसमें 2-3 लोग अरेस्ट कर लिए गए, मैनेजर और मालिक वगैरह। ये पूरे देश में चल रहा है, नाबालिग जो है खुलेआम, मैं तो सड़कों पर देखता हूँ, सड़कों पर खड़े होकर लोग शराब पी रहे हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां खुलेआम सड़कों पर खड़े होकर शराब पी रही हैं, और जब पुलिस वाले रोक रहे हैं तो कहते हैं कि वीडियो बनाओ इनका, इनके ऊपर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाएंगे। मैंने तो यही अपनी सोसाइटी के पास में इस प्रकार की घटना देखी, उन्होंने मुझे बताया कि क्या स्थिति हो चुकी है। तो ये तो हम सबको एक विचार इसके ऊपर करना होगा कि देश हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस प्रकार से चरित्रहीनता फैल रही है, किस प्रकार से कानून को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति है। कानूनों में कोई कमी नहीं है, जुवेनाइल एक्ट, जे एक्ट बनाया गया, ये सोच के बनाया गया था कि जुवेनाइल को इतनी बुद्धि नहीं होती, 14 साल का लड़का, 12 साल का लड़का रेप कर रहा है तो क्या उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको उसकी समझ, उसको समझ नहीं है ये सब बिल्कुल, इन सब चीज़। बहुत से फॉरेन कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें मेरिट पर केस को देखा जाता है कि क्या इसको, इसके संज्ञान में ये क्राइम की डिटेल, क्राइम के बारे में जानकारी थी कि नहीं थी, ही अगर उसने प्लानिंग की है, उसने सोच समझ के अपराध घटित किया है तो बतौर बालिग ही उसको माना जाता है और बतौर बालिग ही उसको ट्रीट किया जाता है। निर्भया केस में जो था, जिसने रेप किया, नाबालिग था, उसके प्रति बड़ा लोगों में रोष था पूरे देश में, भाई ये कहां से नाबालिग हो गया, सबसे ब्रूटल रेप बताते हैं उसी ने किया, फिर ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हमारी जुडिशरी को इस पर विचार करना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए, ऐसों के खिलाफ ठोस चार्जशीट लगाएं, और जुडिशरी का भी फर्ज बनता है, मैं वकील साहबान से भी कहूंगा कि उनका भी फर्ज बनता है कि ऐसे केसेस में ऐसे जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूं, ठीक है। और मैंने बहुत से केसेस में 304 में ही चार्जशीट लगवाई है और कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया है, हालांकि कहने को 304A है, 304A कुछ भी नहीं है, जो नया कानून आ रहा है 1 जुलाई से, हो सकता है उससे कुछ स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है, देख रहे हैं यही होगा कि जब नया कानून आता है इसके बाद क्या स्थिति बदलती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से पुणे से ये मामला निकलकर सामने आया है, हर कोई हैरान भी है और सवाल भी उठ रहा है, क्या किसी की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो जाती है कि 2 लोगों की जिंदगी जो है एक रईस ज्यादा ले लेता है लेकिन वो जमानत पर बाहर घूम रहा है। हालांकि आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन देखना यही होगा क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और देखना ये भी होगा कि आरोपी के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है काफी गंभीर मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में ये नजीर भी बन सकता है अगर सही ढंग से और निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की कार्रवाई होती है तो।